YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। जींद उपचुनाव की बात करेंगे। जी हां, जेजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसी को लेकर दुष्यंत चौटाला लगातार जनता से संपर्क कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने जींद उपचुनाव को लेकर दुष्यंत चौटाला से खास बातचीत की है। रोड है और जाम आप देख सकते हैं, ये पूरा हाल जींद का है। पूरा जींद इन दिनों फिलहाल जाम आपको दिखाई देगा, पूरे जींद में जाम दिखाई देगा और जाम में गाड़ी सांसद दुष्यंत चौटाला की फंसी हुई है। सांसद साहब आप जींद में आए हैं, जाम ही जाम जींद में दिखाई दे रहा है। इस जाम की वजह चुनाव है या पूरा जींद का हाल ही यही है? हालात ऐसे है जींद के अंदर, ना तो सड़कें प्रॉपर बनी और जिस तरह की डेवलपमेंट की बात सरकार करती थी, अगर ये बाईपास जो पिछले 6 साल से पेंडिंग है इसको कंप्लीट करा देती तो आज शायद जींद की हालात ऐसी नहीं होती। ये एक मेयर फेलियर है गवर्नमेंट का कि आज सड़कें टूटी पड़ी है और आज के दिन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी वो भी इनकम्प्लीट पड़ा है। आपने सड़कों की बात की, कल आप रोहतक से जींद बस में बैठ के आए थे, साधारण वो बस थी रोडवेज की, तो सड़कें ठीक ठाक लगी बस में? लग्जरी गाड़ी में पता नहीं लगता सड़कों का, लेकिन बस में तो पता लग गया होगा सड़कें कैसी। तो कई बार बस में चढ़ लिया मगर कल जो अनुभव था वो बहुत अच्छा था कि कई ऐसे लोग बस में मिले जो जींद के हैं और जो नोएडा नौकरी करते हैं या गुड़गांव नौकरी करते हैं और वीकेंड पर अपने घर आते हैं, और उन लोगों ने भी ये समस्या बताई कि आज रोजगार एक समस्या है, बेसिक हॉस्पिटल की नीड एक समस्या है। ये छोटी छोटी चीज़ें उन सवारियों से भी हमें सीखने को मिली। विपक्ष के नेता कहते हैं कि बच्चों की पार्टी है, क्या बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या माहौल जींद में लग रहा है आपको? मैं तो उनके लिए कहूँगा अब युवा परिवर्तन लाएंगे और इस प्रदेश की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम करेंगे। और जब जब युवाओं ने अंगड़ाई ली है, कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं सत्ता उनके लिए सौगात में आई है, वो लोग परिवर्तन नहीं चाहते और कहीं ना कहीं वो उन लोगों में से है जो परिवर्तन को देखते हुए घबरा कर हमें बच्चा कहते हैं। पहले ये कहते थे कि ये 200 बच्चों का टोल है, 200 बच्चों ने अगर 6 लाख लोगों की रैली करी है तो फिर ये बच्चे जींद की सीट को जीतेंगे और ये बच्चे हरियाणा प्रदेश में भी राज बनाएंगे। दिग्विजय चौटाला के सामने एक तरफ पूरी सरकार है, एक तरफ रणदीप सुरजेवाला बड़े नेता हैं, तो लड़ाई कितनी आसान मान के चल रही है? लड़ाई नहीं है, ये चुनावी मैदान है और चुनाव कभी आसान नहीं होता। मोदी जी के सामने जब केजरीवाल जी चुनाव लड़े थे तो भी 2 लाख वोट ले गए थे और वो तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, मगर उसके अंदर से भी उनने पसीने निकलवाने का काम किया था। मैं जब हिसार चुनाव लड़ा था तो मेरे आगे दिग्गज वो कहते थे कि मैं 26 साल का बच्चा हूँ, मैंने MP बना और मैंने मेरे क्षेत्र का विकास कराया। तो ये निशानी है परिवर्तन की और जींद की जनता परिवर्तन चाहती है, जींद की जनता युवा जोश चाहती है और वो युवा जोश 28 तारीख को कप प्लेट का बटन दबाकर। कप प्लेट के बटन पे मोहर लगाने की तो अपील की, लेकिन 15 मिनट से आप जाम में फंसे हुए हैं, जींद कब जाम फ्री हो पाएगा क्या लगता है और आपकी गाड़ी कितनी देर में निकलेगी? मैं निकलने की बात तो नहीं कर सकता क्योंकि आगे हालात आपको भी दिख रहे हैं, जैम पैक्ड है, मगर एक चीज बोल सकता हूँ कि ये परिवर्तन दिग्विजय सिंह के जीतने के बाद शुरू होगा और जींद का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम मिलकर प्रदेश और सेंट्रल लेवल पर सुधारित करेंगे। बिल्कुल, ये थे सांसद दुष्यंत चौटाला, कभी बस में चलते हैं लोगों से वोट की अपील करते हैं और कभी जो ये जाम आपको दिखाई दे रहा है इस तरह के जाम में फंसते हैं और कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला का कहना है कि जींद की जनता अब परिवर्तन का मूड बना चुकी है और कहीं ना कहीं जो दिग्विजय चौटाला है, दिग्विजय चौटाला यहाँ से जीत हासिल करेंगे। कैमरामैन CR राम के साथ अनिल मोर, खबर अभी तक जींद।